वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम 21 जनवरी 2019 के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की बात करेंगे। जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है दिस इज़ नॉट द फ्यूचर वी वांट। ये जो आर्टिकल है दैट इज़ दिस इज़ द फ्यूचर दिस इज़ नॉट द फ्यूचर वी वांट, ये हिंदू के एडिटोरियल पेज और ओपेट पेज से लिया गया है। इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट की बात करें तो ये जो आर्टिकल है इसका कंटेक्स्ट है जो अभी रिसेंटली नीति आयोग की जो एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। ये उसको डिस्कस करता है और उसको डिस्कस करते हुए ये आर्टिकल स्टैब्लिश करता है दैट ये जो रिपोर्ट है इट इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द लाइवलीहुड रिलेटेड इशूज़। ठीक है, तो आगे चलने से पहले जो इस पर्टिकुलर कंक्लूजन में पहुंचने से पहले जो आर्टिकल के ऑथर हैं वो कुछ प्रोग्रेसिव ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के। तो इस रिपोर्ट के पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हुए जो आर्टिकल के ऑथर हैं वो कहते हैं दैट दिस रिपोर्ट एक्चुअली फोकसेस ऑन यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ है कि प्राइमा फेसी ऊपर से अगर हम देते हैं एक कर्सरी लुक इसके ऊपर देते हैं तो ये रिपोर्ट हमें दिखाती है दैट दिस रिपोर्ट इज़ टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव सस्टेनेबल पार्टिसिपेटरी ग्रोथ अलॉन्ग विद जेंडर इक्वलिटी। ऑलराइट, लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर जो ऑथर बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी नेगेटिवली या काफ़ी लूजली इन्होंने हैंडल किए हैं। अगर आप ऊपर से एक कर्सरी लुक देते हैं रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट देन दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इट टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग विद जीरो बजट न्यूट्रल बेस्ड मॉडल ऑफ सुभाष पालेकर, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन इट टॉक्स अबाउट द इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, इट इज़ अप्रिशिएटेड। एंड द फोर्थ इट टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग पॉल्यूटेंस एंड वेस्ट। सो कर्सरी जो लुक है उससे ये चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस रिपोर्ट के सामने आते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऊपर से ये जो रिपोर्ट है इसका चैप्टर 3 साफ साफ कहता है, जो चैप्टर है दैट इज़ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जिस उसका टाइटल है वो साफ साफ इसके ऑब्जेक्टिव्स बताता है इस रिपोर्ट के, दैट इज़ मेंटेनिंग अ क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट विद पीपल्स पार्टिसिपेशन टू हायर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। सो कर्सरी लुक के थ्रू दिस रिपोर्ट अपीयर्स टू बी अ वेरी वंडरफुल रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंटल मैटर्स। लेकिन अगले सेक्शन के अंदर जो ऑथर है वो डिस्कस करते हैं दैट ये रिपोर्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ को मिस करती है जो एनवायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे ये जो रिपोर्ट है इट मिसेज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व रेंज ऑफ नॉन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ऑलराइट, ये रिपोर्ट इस सेक्शन में जो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट जो ऑथर है वो कहते हैं कि सिंस कॉलोनियल टाइम, जब हमारे अंग्रेज मास्टर्स थे उस टाइम से लेकर अभी तक हमने क्या कर रखा है, हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन को फ्यूज कर रखा है विद नॉन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटीज़। नॉन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ में आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड, मरीन एंड कोस्टल वेटलैंड्स, माउंटेन्स एंड डेजर्ट। ऑलराइट, इन सबको हमने एक ही डिपार्टमेंट के अंदर पुट कर दिया दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड वी आर नॉट प्रोग्रेसिवली लुकिंग एट कंजर्वेशन ऑफ नॉन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। ऑलराइट, और जबकि फैक्ट ये है कि ये जो नॉन फॉरेस्ट इकोसिस्टम हैं जैसे कि ग्रासलैंड्स हैं, वेटलैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट हैं, दे रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट दैम, लेकिन हमने अभी इनको फ्यूज कर रखा है एक ही एजेंसी के अंदर और ये पर्टिकुलर पॉइंट ये रिपोर्ट कंप्लीटली मिस करती है। अगला जो पॉइंट ये रिपोर्ट मिस कर रही है वो ये कर रही है दैट दिस रिपोर्ट इज़ नॉट पेइंग एनी ड्यू कंसिडरेशन टू द हार्मफुल एंड द टॉक्सिक केमिकल्स जो हमारे आसपास मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस रिपोर्ट के अंदर देर इज़ अ कम्प्लीट एब्सेंस ऑफ अ इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑन कि कैसे इकोलॉजिकल इशूज़ आर डायरेक्टली इंटीग्रेटेड विद ऑल द सेक्टर्स। ऑलराइट, सो दिस कॉम्प्रिहेंसिव लिंकेज इज़ मिसिंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट। उसके ऊपर अगले सेक्शन के अंदर जो ऑथर हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर कुछ इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं विज़वी एनवायरनमेंट, वो क्या क्या हैं। जो पहला जो कॉन्ट्राडिक्शन वो ये है कि एक तो ये रिपोर्ट बात करती है दैट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ वी हैव टू डबल द एक्सटेंट ऑफ माइनिंग। ऑलराइट, एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया टुडे इज फेसिंग अ वेरी बिग थ्रेट फ्रॉम ओपन कास्ट लार्ज स्केल माइनिंग प्रोजेक्ट्स। सो एक तरफ हम लार्ज स्केल माइनिंग प्रोजेक्ट्स एंड एनवायरमेंट ऑफ इंडिया इज गेटिंग अफेक्टेड और एट द सेम टाइम दिस रिपोर्ट इज पुशिंग फॉर डबलिंग द एक्सटेंट ऑफ माइनिंग इन द कंट्री फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन। सेकेंड कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये जो रिपोर्ट है ये पुश कर रही है कि द टूरिस्ट इन द वेरियस हिल स्टेशन एंड द वेरियस टूरिस्ट प्लेसेज शुड बी डबल्ड। अभी हमारे यहाँ पे 1614 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट थे 2016 में। ये रिपोर्ट कह रही है कि जब हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होंगे 2022 में तब तक हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या है वो बढ़कर 3200 मिलियन टूरिस्ट पहुँच जानी चाहिए।
This is despite the fact that the tourist activities in the various fragile ecosystem is causing a lot of damage. For example, the horrendous environmental impact that has happened in Ladakh, Kutch and the island regions is worth notifying. So, ek taraf to tourist ki wajah se jo environmental disturbance ho rahe hain tourist places mein wo, aur dusra jo cheez hai wo ye hai ki you are trying to increase the tourism industry. These two points are again contradictory with respect to environmental conservation. जो तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन है वो ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये कहती है देर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर कम्प्लीशन ऑफ मेगा रिवर वैली प्रोजेक्ट. दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि जो मेगा रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं दे हैव बीन इकोलॉजिकल नाइटमेयर. ऑलराइट, एंड दिस इकोलॉजिकल नाइटमेयर हैज़ बीन सीन इन द वेरियस प्रोजेक्ट सच एज द पंचेश्वर प्रोजेक्ट इन द हिमालयन फ्रेजाइल इकोसिस्टम. देन देर इज केन बेतवा लिंक इन मध्य प्रदेश एंड देर इज अ गैमट ऑफ वेरी बिग गैमट ऑफ अ नंबर ऑफ सच रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच हैव बीन इकोलॉजिकल नाइटमेयर्स. सो एक तरफ इकोलॉजिकल नाइटमेयर बिकॉज ऑफ द मेगा रिवर वैली प्रोजेक्ट्स और दूसरी तरफ आप इसको बढ़ावा दे रहे हो. जो चौथा कॉन्ट्रडिक्शन वो ये है कि जो रिपोर्ट है ये पुश कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के टूवर्ड्स एंड वी नो दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट अ ड्यू एम्फेसिस ऑन द नीड टू फेज आउट केमिकल फर्टिलाइजर. सो ये जो रिपोर्ट है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पे पुश करते हुए केमिकल फर्टिलाइजर्स को फेज आउट करने की बात नहीं कर रही. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो रिपोर्ट है इट इज़ नॉट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड द एफर्ट्स मेड इन ड्राई लैंड फार्मिंग. Alright, and without focusing dryland farming in India, because most of the farmers are engaged in dryland farming in India, we cannot go for sustainable farming. So there is a contradiction between the report talking about sustainable development and the report neglecting the cause of dryland farming. Alright, and at least this report should have mentioned the efforts of the Dalit women of the Deccan Development Society in Telangana, jinhone dryland farming karke ek bahut hi intricate relationship develop kiya between dryland farming, millet production and women role in it. ऑलराइट, सो ये चीज़ इसको ऑब्जर्व करनी चाहिए, इसको मेंशन करनी चाहिए और ड्राईलैंड फार्मिंग्स को एक एक्सक्लूसिव पुश देना चाहिए इन इंडिया फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग एंड द रिपोर्ट इज नॉट डूइंग दैट. सो दिस इज द फिफ्थ कॉन्ट्राडिक्शन. जो सिक्स्थ कॉन्ट्राडिक्शन वो ये है कि ये जो रिपोर्ट है इट टॉक्स अबाउट सिंगल विंडो रैपिड क्लियरेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर प्रोजेक्ट्स. दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि जो एक प्रॉपर इकोलॉजिकल असेसमेंट है उसको कम से कम एक साल का टाइम तो चाहिए ही ताकि हर सीजन में वो प्रोजेक्ट क्या इम्पैक्ट करेगा ये पता लगाया जा सके. दिस इज डिस्पाइट दिस फैक्ट ये रिपोर्ट पुश करती है फॉर रैपिड सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर प्रोजेक्ट्स. ऑलराइट, सो दिस इज़ रॉन्ग. और ये जो रिपोर्ट कहती है कि ना 180 दिन में आपको सिंगल विंडो रैपिड क्लियरेंस देना है, ये 180 डेज विल फॉल शॉर्ट ऑन कमिंग आउट ऑफ वेरी प्रॉपर असेसमेंट, क्योंकि फुल स्केल असेसमेंट के लिए कम से कम एक साल का समय चाहिए एंड 180 डेज विल नॉट बी सफिशियंट इनफ. द सेवन कॉन्ट्राडिक्शन कैन बी सीन इज दैट ये जो रिपोर्ट है इट टॉक्स अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ. ऑलराइट, लेकिन वहीं पे दिस रिपोर्ट डज नॉट गिव ड्यू कंसिडरेशन टू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इट डज नॉट टॉक अबाउट द कंसेंट दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट. और ये दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि लोकल कम्युनिटी कंसेंट इज मेंशन अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज 1996 एंड मोस्ट रिसेंटली द लैंड एक्विजिशन जो लार एक्ट था 2013 का, उसके अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको लोकल कम्युनिटीज से कंसेंट लेना पड़ेगा. डिस्पाइट दिस फैक्ट दिस रिपोर्ट डज नॉट टॉक अबाउट कंसेंट फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी डिस्पाइट इट टॉक्स अबाउट द इंक्लूसिव ग्रोथ. दिस इज द सेवन contradiction and this seventh contradiction is very much essential because it is because of this contradiction the rights of the adivasis and the other local communities is getting neglected. तो कंक्लूजन में जो ऑथर है वो कंक्लूड करते हैं कि देर इज़ अ टोटल एब्सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द कंट्री दैट द करंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाट वी आर परस्यूइंग राइट नाउ इज़ टोटली अनसस्टेनेबल. हम अपनी ज़रूरत जितना हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से रिसोर्स कंजम्पशन होना चाहिए उसके डबल रेट से हम रिसोर्सेज को कंज्यूम करते जा रहे हैं. ऑलराइट, यानी कि 6 महीने में ही हम 12 साल के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर देते हैं. जो नेक्स्ट 6 महीने हैं वो हमारे इकोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेन है एक तरीके से. ऑलराइट, और अगर हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो इंडिया एट 75 इज़ गोइंग टू बी मोर अनइक्वल, मोर अनजस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी देन वॉट इंडिया वॉज इंडिया एट 50 years of independence. So this is the subject matter of the first important editorial that we have discussed so far. जो second important editorial है वो हम Indian Express के editorial page से ले रहे हैं और उस editorial का नाम है What the Farmer is Owed. Alright, इस report के context की बात करें तो ये report तीन चीज़ों पर बात कर रही है. ये जो article है ये तीन चीज़ों के ऊपर बात कर रही है कर रहा है. पहली चीज़ जो आर्टिकल है इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फेलियर ऑफ द वेरियस एग्रीकल्चरल पॉलिसीज इन द रिसेंट पास्ट. जो दूसरी चीज़ है इट टॉक्स अबाउट द ऑल्टरनेटिव मॉडल्स विच कैन बी अप्लाइड फॉर इम्प्रूविंग द
स्टेटस ऑफ फार्मर्स इन द सोसाइटी इन द कंट्री एंड लास्टली इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज फेलियर के कारण एटलीस्ट एक तरीके से एक इम्प्लिसिट टैक्स पे करना पड़ा है. ये तीसरे सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे जब हम ऑथर के तीसरे सेक्शन को इस एडिटोरियल के थ्रू डिस्कस करेंगे. तो पहला जो सेक्शन है जिसमें जो ऑथर हैं वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं फार्मर के लिए जो हमने चालू करी थी वो पिछले कुछ सालों में फेल हो गई हैं एंड इट कैन बी सीन दैट. और ये जो फेलियर है ये देखा जा सकता है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए एक हायर MSP सिस्टम लॉन्च किया था जिसमें फार्मर्स को हायर सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता था देन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड दिस वॉज बेस्ड ऑन 50% मार्जिन ओवर पेड आउट कॉस्ट प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर. यानी कॉस्ट A2 प्लस FL का जो 50% था उसको MSP पे जोड़ के फार्मर्स को दिया जा रहा था. बट इट हैज़ एक्चुअली फेल्ड. व्हाई इट हैज़ एक्चुअली फेल्ड? क्योंकि जो मार्केट प्राइसेस थी वो बाय देमसेल्स वर दिस सीजन हैज़ रिमेन लेस देन 20-30% लेस देन द MSP. यानी MSP से 20-30% मार्केट प्राइसेस खुद कम रही हैं. उसकी वजह से इवन दिस इंक्रीज इन द MSP कुडंट हेल्प द फार्मर्स मोर इफेक्टिवली एंड दिस पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट हैज़ फेल्ड. जो सेकेंड फेलियर है वो है कि जो गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी वो भी कम्प्लीटली फेल हो गई. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ वेंट फॉर वेरी लिमिटेड प्रोक्योरमेंट. और क्यों लिमिटेड प्रोक्योरमेंट किया? क्योंकि जो स्टॉक्स थे गवर्नमेंट के वो पहले से ही ओवरफ्लो हो रहे हैं. पहले से ही बहुत सारा सामान भरा पड़ा है, नया सामान आप ले नहीं सकते, आपने लिमिटेड प्रोक्योरमेंट करी और लिमिटेड प्रोक्योरमेंट की वजह से प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भी फेल हो गई. फिर गवर्नमेंट ने क्या करा था कि मार्केट प्राइसेस को पुश देने के लिए एक आशा स्कीम लॉन्च करी थी. आशा स्कीम के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जो आशा PM आशा से रिलेटेड जो वीडियो है उसे देख के आप उस स्कीम के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कवर कर सकते हैं. बट इस एडिटोरियल डिस्कशन में मैं इतना ही बताऊंगा कि PM आशा स्कीम थी जो एक बजटरी प्रोविजन था फॉर इंक्रीजिंग द मार्केट प्राइसेस एंड इट हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड मिजरेबली. अपार्ट फ्रॉम दैट द फोर्थ पॉलिसी फेलियर कैन बी सीन कि जो MSP है इट डज़ नॉट एक्सटेंड मोर देन 20% प्रेजेंटली इन द कंट्री बिकॉज जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हैं जो प्रोक्योरमेंट मशीनरी है इट इज़ नॉट वाइड स्प्रेड इन द कंट्री. सो MSP पॉलिसी भी सिर्फ 20% फार्मर्स को ही सपोर्ट कर रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो रिसेंटली लोन वेवर स्कीम लॉन्च कर रखी है बहुत सारे स्टेट्स ने, ये भी सिर्फ उसी 30% फार्मर्स कम्युनिटी को सपोर्ट करती है जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेता है. इस वजह से ये जो पाँचों पॉलिसी फ्रेमवर्क हैं ये फेल हो गए जो कि अभी रिसेंट पास में गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर कम्युनिटी इन द कंट्री. बिकॉज ऑफ दिस फेलियर जो सेकंड सेक्शन है उसके अंदर ऑथर डिस्कस करता है दैट व्हाट आर द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दैट आर अवेलेबल. ये दो अल्टरनेटिव्स की बात करेगा, तेलंगाना के रायतु बंधु स्कीम की और उड़ीसा के कालिया स्कीम की. तो पहली जो ऑथर हैं पहले जो स्कीम अल्टरनेटिव स्कीम की बात करते हैं वो है तेलंगाना की रायतु बंधु स्कीम. अकॉर्डिंग टू दिस रायतु बंधु स्कीम जो फार्मर्स हैं जो लैंड ओनिंग फार्मर्स हैं उनको 4,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से 2 सीजन तक पैसा मुहैया कराया जाता है. ऑलराइट, ये जो रायतु बंधु स्कीम है ये 12,000 करोड़ रुपये का बर्डन लेके आती है स्टेट एक्सचेकर पे और इट कवर्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फार्मर्स. ऑलराइट, एंड इट हैज ऑल्सो यील्डेड सम पॉलिटिकल डिविडेंड्स. लेकिन इस स्कीम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इसने सिर्फ लैंड ओनिंग फार्मर्स को ही इंक्लूड कर रखा है एंड इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द टेनेंट्स एंड द एग्रीकल्चरल लेबरर्स. जो सेकेंड स्कीम है वो है उड़ीसा की कालिया स्कीम, दैट इज़ कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम. ये जो कालिया स्कीम है इट इज़ एन इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ द रायतु बंधु स्कीम ऑफ तेलंगाना क्योंकि इट प्रोमिसज द सपोर्ट टू द लैंड ओनिंग फार्मर्स अलॉन्ग विद द टेनेंट्स एज वेल एज द एग्रीकल्चर लेबरर्स. तो ये क्या करती है, ये स्कीम क्या करती है, 5,000 रुपये पर फैमिली फॉर 5 सीजन प्रोवाइड करती है फॉर द लैंड ओनिंग फार्मर्स और जो टेनेंट्स और एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनको वन टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू द ट्यून ऑफ 12,500 रुपीज़ पर फैमिली और जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं उनको भी वन टाइम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है टू द ट्यून ऑफ ₹10,000 पर फैमिली इन उड़ीसा. ऑलराइट, दिस स्कीम इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग एन इंश्योरेंस एंड एन इंटरेस्ट फ्री लोन सपोर्ट अप टू ₹50,000. अगर इस स्कीम के पैसे की बात करी जाए, इकोनॉमिक बर्डन की बात करी जाए, तो दिस स्कीम इज गोइंग टू कॉस्ट समवेयर अराउंड ₹10,180 करोड़ टू द उड़ीसा गवर्नमेंट ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स. ऑलराइट, नाउ ये जो दो ऊपर स्कीम हमने डिस्कस करी इनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पहली चीज़ तो है कि इनके ऊपर बहुत सारा खर्चा हो रहा है. 12,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है तेलंगाना में, 10,180 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं उड़ीसा में. ऑलराइट, सो ह्यूज बजटरी इंप्लीकेशन इन्वॉल्व, देयरफॉर इट नीड टू बी मॉनिटर प्रॉपरली. सेकेंडली, ये दोनों स्कीम्स का मॉनिटरिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज दीज स्कीम्स आर नाउ कंसिडर्ड ऑल्टरनेटिव टू अदर फार्मर फ्रेंडली मैकेनिज्म, चाहे वो इंक्रीज MSP हो, चाहे वो फार्म लोन वेवर हो. सो एक इनकम सपोर्ट के फॉर्म में
एक एडिशनल एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी की टूवर्ड्स देखा जा रहा है और ये दो स्कीम्स उसके मॉडल बन सकते हैं। फिर ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो इन स्कीम्स की टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, दे हैव स्टार्टेड रेप्लिकेटिंग दिस स्कीम्स इन देयर ओन स्टेट्स। और ऊपर से मीडिया रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नाउ थिंकिंग अबाउट कि इन दोनों स्कीम्स को एक मॉडल स्कीम बना के पैन इंडिया लेवल पर लॉन्च किया जाए। ऑलराइट, ये तो हो गई रिसेंट पॉलिसी फेलियर्स एंड अल्टरनेटिव्स की बात। आखिरी सेक्शन में जो ऑथर हैं वो डिस्कस करते हैं कि हमने हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी हैं जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को एक तरीके से एक इम्प्लिसिट टैक्स पे करना पड़ा है, और उसकी वजह से कोई भी अगर आप नई पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं उस नई पॉलिसी के लिए यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट द कॉस्ट इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि आपने एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं उनको पहले से ही एक तरीके से इम्प्लिसिटली टैक्स कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग अटोनमेंट फॉर द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड इन द पास्ट। ऑलराइट, नाउ अगर बात करी जाए कि हमारे जो फार्मर्स का जो डिस्ट्रेस है, जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है, जो फार्मर्स का डिस्ट्रेस है, इट इज़ मेनली रूटेड इन द फैक्ट दैट इंडियाज़ एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ नॉट बीन रिफॉर्म एज इट वॉज रिक्वायर्ड टू। ऑलराइट, हमने जो मार्केटिंग और ट्रेड पॉलिसीज फॉलो करी थी, दे हैव बीन डिस्टोर्शनल रिस्ट्रिक्टिव एंड प्रो कंज्यूमर, रेदर देन प्रो प्रोड्यूसर दे हैव बीन प्रो कंज्यूमर। बेनिफिट आपने कंज्यूमर को पहुंचाया, प्रोड्यूसर को नहीं। ऑलराइट, और इट कैन बी सीन फ्रॉम द ICARIER OECD स्टडी जिसने बताया कि जो पिछले 17 साल का अगर आप डेटा देखें तो जो प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट है वो इंडिया में -14% था, यानी आपने फार्मर्स को सपोर्ट करने की जगह उनको नेगेटिवली इंपैक्ट किया टू द ट्यून ऑफ -14% ऑफ ग्रॉस फार्म रिसीप्ट। यानी इसका मतलब है कि आपने इंडियन फार्मर्स को एक तरीके से इम्प्लिसिटली टैक्स किया टू द रेट ऑफ 14%। ऑलराइट, बाय फॉलोइंग द रेस्ट्रिक्टिव मार्केटिंग एंड ट्रेड पॉलिसीज विद एक्सटेंसिव कंज्यूमर बायस। अगर इसको मॉनेटरी कन्वर्ट करा जाए तो हमने हर साल फार्मर्स के ऊपर एक इकोनॉमिक बर्डन डाला 2.65 trillion रुपीज़ पर एनम के हिसाब से, और पिछले 17 साल में इसको समअप करें तो इट कम्स अप अराउंड ₹45 trillion। ऑलराइट, सो इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गई बिकॉज ऑफ दिस इम्प्लिसिट टैक्सेशन दैट हैज़ टैक्स्ड इट्स फार्मर टू अ वेरी हाई कॉस्ट इन द लास्ट फ्यू 17 years। ऑलराइट, अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में जो ऑथर है वो सिंपली ये चीज़ कहते हैं दैट इंडिया शुड नॉट थिंक अबाउट द कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट इन ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चरल पॉलिसीज टू बेनिफिट द फार्मर। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 17 साल में उनको 45 ट्रिलियन रुपीज़ का जो बर्डन डाला है, दिस इज़ ए काइंड ऑफ टैक्स ऑन दैम, एंड नाउ इट इज़ नाउ अ टाइम टू रीपे टू द फार्मर बाय एग्रीकल्चरल इनकम सपोर्ट सिस्टम। ऑलराइट, सो इट इज़ नॉट a cost that the government will own, but it is an atonement of the past failures. Alright, past mein aapne jo distortional policies, jo consumer bias policies aapne adopt kari hain, ab uska bhuktan aapko karna padega by these kind of policies. Alright, so this is the conclusion that the author tries to make. So this was the subject matter of the second important editorial for the date, 21st January 2019. I hope the other editorials are quite explanatory, which you will be reading by your own again. And keep tuned to this platform for more such wonderful videos. The PDF of this particular summary of these two articles can be downloaded in the PDF format from the description given below, the link in the description given below. So that's all from my side. Have a great day ahead. Take care. Bye. And keep working hard. Bye.